अभी कुछ देर पहले जो अनंतनाग साउथ कश्मीर में एनकाउंटर चल रहा था उसकी बड़ी खबर आ रही है। दो आतंकवादियों को हमारी सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराया गया है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिरकार ये दोनों आतंकवादी किस तंजीम से थे। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये लश्कर के या हिजबुल के थे, लेकिन दो आतंकवादी फिलहाल मार दिए गए हैं। अभी भी एनकाउंटर लगातार जारी है, क्योंकि आप जानते ही हैं कई बार ये आतंकी जो है वहाँ पर आतंक फैलाने के लिए अपनी तरफ से कोई ग्रेनेड वगैरह छोड़ जाते हैं। इसीलिए अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा ये कहा गया है कि ऑपरेशन कॉल ऑफ नहीं किया गया है और वहाँ पर कोई भी सिविलियन ना जाए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये घना जंगल है कोकरनाग इलाके का जहाँ पर ये एनकाउंटर फिलहाल चल रहा है। और इसके अंदर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे सुरक्षा बल, जिसके अंदर इंडियन आर्मी व जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG यूनिट ने एक बड़ा एनकाउंटर किया, और उसके अंदर ये खजवान इलाका है। खजवान एक जंगल का इलाका है जो कि खुंडरू अनंतनाग के पास पड़ता है, और वहाँ पर हमारे सुरक्षा बलों ने इन दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया है। हालांकि जो खबर आ रही थी, 2 से 3 आतंकवादियों के यहाँ पर होने की खबर आ रही थी, क्योंकि इस इलाके से जब ये खबर आई तो उसके बाद इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका जवाब जो है हमारे सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी से किया है, और 2 आतंकवादी फिलहाल मार दिए गए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके अंदर अगर बात की जाए तो अभी तक लगभग जनवरी से लेके अभी तक 90 के करीब आतंकवादी जो है मारे जा चुके हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे कमांडर्स भी मारे जा चुके हैं हिजबुल और लश्कर के, जिनमें अगर बड़ा नाम की बात करें तो जाकिर मूसा आतंकवादी भी मारा गया है। जाकिर मूसा के मारे जाने के बाद कल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह जी द्वारा ये कहा गया कि ये एक तरफ से जिहादी आतंकवाद का अंत है। जो आतंकियों द्वारा इस तरह का जिहाद चलाया जा रहा है, हमारे जो नौजवानों को बरगलाया जाता है, उनको आतंकवाद के रास्ते में लाया जाता है, उसका अंत है। इसके बारे में दिलबाग सिंह जी ने कल अपने जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को, इंडियन आर्मी के जवानों को मुबारकबाद भी दी, क्योंकि ये एक बड़ी कामयाबी है हमारे सुरक्षा बलों के लिए। अब सिर्फ और सिर्फ एक रियाज नाइकू आतंकवादी बचा है, जिसके लिए हमारी सुरक्षाकर्मी जो है, जल्द ही आपको मैं ये भी खबर दूंगा कि उसको भी हमारे सुरक्षा बलों द्वारा मार दिया गया है। लेकिन एक चीज़ और, जो आर्मी की तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी 2 दिन पहले कि लगभग 80 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, और अगर इन दोनों आतंकवादियों की बात करें तो इन दोनों को मिला के लगभग अब 90 का नंबर होने जा रहा है जनवरी से लेके अब तक, जिसके अंदर इतने आतंकवादी मारे गए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जाकिर मूसा के मारे जाने के बाद जो नौजवान इसकी बातों में, इस आतंकवादी की बातों में आके आतंकवाद का रास्ता ज्वाइन कर चुके हैं, जल्द ही शायद वो सरेंडर कर देंगे। हालांकि जनवरी से लेके अभी तक 5 से 6 आतंकियों ने सरेंडर भी किया है, और उनको जो है उनका जो सरेंडर कराने में हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस का भी बड़ा हाथ है। और अभी भी जो नौजवान आतंक के रास्ते पर हैं, उनकी फैमिलीज, उनकी माता पिता बार बार यही अपील करते हैं कि वो लोग वापस आ जाएँ, अच्छा होगा कि ये लोग मेन स्ट्रीम में आ जाएँ। और फिलहाल अनंतनाग वाला एनकाउंटर के अंदर अभी 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, और अभी भी एनकाउंटर ख़त्म नहीं हुआ है। सिविलियंस से जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यही आग्रह है कि आप लोग एनकाउंटर साइट पे ना जाएं। आपको जो भी खबर सुननी है आप JK मीडिया पे सुनिए, एनकाउंटर साइट पे जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना ही आप पुलिस का हिस्सा हैं ना ही आप आर्मी का हिस्सा हैं, तो एनकाउंटर साइट पे आप बिल्कुल ना जाएं। हमारे सुरक्षा बलों को एनकाउंटर करने में, एनकाउंटर ख़त्म करने में किसी तरह का भी बाधा ना बने और किसी तरह की भी हिंसा ना वहाँ पे करें। फिलहाल इंटरनेट सर्विसेज भी वहाँ बंद कर दी गई है, और इलाके के अंदर 144 दफ़ा भी लगाई गई है। आप लोग देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चरोत्रा जी के साथ JK मीडिया के लिए, जय हिंद।